ओम शांति। आज हैं 23 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने कहा कि बाबा के साथ घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। फिर कहा कि जो देही अभिमानी बच्चे हैं उनके मुख से यह शब्द कभी नहीं निकलेगा कि मेरे मन को शांति मिले, क्योंकि वह जानते हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। फिर कहा, बाबा ने समझाया है, यह अकाल तख्त जो छोड़कर फिर दूसरा लेते हैं, अर्थात एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो बाबा कहे उसको तख्त के बदले घर कहना ठीक है, अर्थात शरीर आत्मा का घर है, क्योंकि घर में खिड़कियां आदि होती है, तख्त के ऊपर तो राजाई की जाती है। फिर कहा, तुम अभी बाप से ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, बाप से ज्ञान रत्न लेते हो फिर औरों को देते हो, इसलिए अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती जा रही है। यह ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलेंगे। फिर बाबा ने रूप बसंत का भावार्थ बताया कि परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों को मुख से वर्णन करती है, इसलिए रूप बसंत कहा जाता है। फिर कहा, तुम अमृत वेले उठ ज्ञान रत्नों का धंधा करो, ज्ञान रत्नों का विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे प्रभात का समय अच्छा होता है। फिर बाबा ने रूहानी पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट स्मृति में दिलाई, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जैसे उन स्कूल्स में भी सब्जेक्ट होती हैं, सब में 100 मार्क्स होती हैं, ऐसे बाबा कहते हैं इन चारों सब्जेक्ट में भी हैं, जैसे उसमें नंबरवार होते हैं ऐसे इस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, लेकिन जो इन चारों सब्जेक्ट में फुल पास होते हैं वही बाबा के गले का हार बनते हैं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है, इसलिए इस घर अर्थात शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। आज मुरली से प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, मेरे मन को शांति कैसे मिले, यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है, मन के शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाए। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं, उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है, यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे कह कौन बात करते हैं? परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, यह लोन लिया हुआ है, हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। आज बाबा घर अर्थात शरीर की बात कर रहे हैं कि सभी को अपना शरीर छोड़कर वापस अपने घर जाना है। जैसे तुम बच्चों का यह पुराना घर है मकान, इनमें खिड़कियां आदि सब हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे यह पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर परम धाम चलना है, इसलिए जीते जी इस घर शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते हैं दो चीजें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं,
आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, यह शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया है, यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। बाबा कहते हैं, शरीर को तख्त कहने के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती हैं, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुख धाम है। हाँ, यह जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठना है। बाबा कितना अच्छा थोरली समझा रहे हैं कि पहले तो आत्मा शरीर रूपी घर में प्रवेश करती है, फिर शरीर सिंहासन पर बैठता है। राजाई करनी है। दुनिया में तो ऐसे कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप न आए तब तक बादशाही कैसे मिले। तुम जानते हो, बाबा हमको शाहिनशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं में महाराजाए बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है, तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को शरीर रूपी घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्मा को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा। जब पावन बनाने वाले आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं, बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ। कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। इनको एडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाप कहते हैं, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है, हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया जाता है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती रहती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। बाबा कहते हैं, इस सृष्टि की तुलना चक्र के साथ भी की जाती है और कल्प वृक्ष के साथ भी की जाती है। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती है, उनकी आयु बड़ी होती है। यह सृष्टि रूपी झाड़ जब नया है तो हम देवताएं ही रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया है, इसमें सब गरीब हैं, पाए पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाप से रत्न ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। तुम्हारा व्यवहार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथा मिलते हैं। गाया हुआ भी है, सागर से हीरे जवाहरों की थालियां ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। बाबा रूप बसंत का भावार्थ बता रहे हैं कि आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है, उसी को ही रूप बसंत कहा जाता है। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है। कहते हैं, राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। यह आत्माओं ने कहा ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता, जैसे कि शरीर में मन है। परंतु आत्मा कहती है, मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है, मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा, हमारे मन को शांति कैसे मिले। मन क्या है, बाबा पूछ रहे हैं, मन क्या है वह भी नहीं समझते हैं। आत्मा को शांति मिलती है व आत्मा के मन को। किसको शांति मिलती है, पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म शांत है। यह शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको।
अर्थात कर्म करो या शांति में बैठ जाओ। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते, वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके। जब बाप परमात्मा को याद करे तब ही आत्मा को ताकत मिले, सिर्फ शांति से ही कोई फायदा नहीं। वह समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को भी भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं। बाप सन्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है, हम असल उस बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है, नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। नाटक पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। हूबहू तुम्हारा भी ऐसा ही पार्ट है, बाबा एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। हूबहू तुम्हारा भी ऐसा ही पार्ट है, बाप आया है लेने लिए। यह प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहां होगी वा नहीं, हमारा काम है वर्षा लेना। जरूर आत्मा होगी, तब तो आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है, अभी भी आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे। जो कुछ बची खुची आत्माएं हैं वह सब आएंगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है। यह तुम बच्चों को पता है, जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे। जैसे मच्छर देखो रात को आया और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़े ही है। यह जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वह कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है, माया भी कम नहीं है। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती हैं और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है, साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कहा जाता है। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएंगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प न आए, बाप कहते हैं यह तो जरूर आएंगे, माम एकम याद करो। बाबा कहते हैं जब तक शरीर में है, इस दुनिया में है, तो संकल्प विकल्प तो आएंगे ही, लेकिन विकल्प न आए उसके लिए बाबा को याद करना है। हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती है, पियर घर जाती है, बुद्धि में यही रहता है। बाबा आया है हमको ले जाएंगे, गाइड बाबा ही है। कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक ने भी देखा हो तो बहुत देख ले, वह जाना भी सिखलावे। बाबा कहते हैं अगर किसी एक ने परम धाम का रास्ता देखा हो तो उनके पीछे पीछे और को भी पता चलता जाएगा, लेकिन किसी एक को भी पता नहीं है। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाए, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मच्छरों सदृश, वह सिर्फ कह देते हैं बौद्धि की आत्मा निर्वाण धाम गई। अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएंगी, कोई जा नहीं सकते। मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए। सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह हैं, मच्छरों सदृश है ना, सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे, गिरे भी पहले वह पुजारी बनते हैं तब रावण के गले का हार बनते हैं, आखिरीन यह हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे, अंत में भी सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं।
यह ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती है ना समझाने के लिए। नक्शेल में कहा जाता है, बाप को याद करो, पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर, हम असल में अपने बाप शिव बाबा के गले की माला हैं। फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं, फिर रावण का राज्य होता है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो। नंबर वार स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती हैं, इसमें भी मार्क्स चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक पढ़ाई में हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स होती हैं, ऐसे यह रूहानी पढ़ाई में भी हर सब्जेक्ट में मार्क्स होती हैं, उसमें भी 100% लेना है। देवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है, सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबर वार तो होते ही है ना। जो पास होते हैं वह गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट हैं, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वह तो जन्म मरण में आते ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था, अभी गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे बेचारा कितना गिर गया। फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन से खुद साहूकार बने हैं। भारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है। कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है यह कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, अर्थात आत्माओं में कितनी शक्ति थी। सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए। परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं है। कैलेमिटीज भी आती रहेंगी, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो लड़ाई चल रही है ना। बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, बाप के साथ वापस घर जाना है इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रहे, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। आज बाबा ने वरदान दिया, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। स्पष्टीकरण है, आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो, हम ब्राह्मण बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा, कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। आज का स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।